राष्ट्रीय जनता दल राजद के लालू प्रसाद यादव के साले के पूर्व विधायक साधु यादव को पटना की MP MLA कोर्ट ने 21 साल पुराने मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साल 2001 जनवरी महीने में साधु यादव पर संयुक्त परिवहन कार्यालय में गोली चलाकर दहशत फैलाने, रंगदारी न देने पर मारपीट करने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई पटना के MP MLA कोर्ट में चल रही थी। साधु यादव पर आरोप था कि वह साल 2001 के जनवरी माह में शाम के वक्त संयुक्त परिवहन कार्यालय में चल रही बैठक के दौरान पहुंच गए थे। उनके साथ 10 से 15 आदमी और 2 ब्लैक कमांडो मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने वहां बैठे परिवहन आयुक्त, अवर सचिव, शाखा पदाधिकारियों को कार्यालय से बाहर जाने का आदेश दिया था। आरोप है कि इस दौरान कर्मचारियों के साथ बल का प्रयोग भी किया गया। अब मामले में MP MLA कोर्ट ने साधु यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। हालांकि साधु यादव को 3 साल की सजा देने के साथ ही उन्हें कोर्ट ने प्रोविजनल बेल भी दे दी है। कानून के अनुसार यह नियम है कि 3 साल या इससे कम की सजा मिलने पर साथ में ही प्रोविजनल बेल दे दी जाती है। बेल को कंफर्म करने के लिए साधु यादव को 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील याचिका दायर करनी होगी। वहां से आदेश मिलने के बाद ही इनकी बेल कंफर्म होगी। साधु के लिए राहत की बात यह है कि इस बीच उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सजा तो मिली है लेकिन साधु यादव फिलहाल जेल नहीं जाएंगे। बता दें कि बिहार में लालू राबड़ी का शासनकाल 1990 से 2005 तक रहा। 15 सालों में साधु यादव विधायक और सांसद भी बने, राजनीति भी खूब चमकाई। आलम यह था कि साधु यादव जहां जाते वहां कभी फूलों से तौला जाता तो कभी सिक्कों से। तब साधु यादव लालू राज का चेहरा बन गए थे। हालांकि अब हालात बदल गए हैं और साधु यादव और लालू यादव के बीच 36 का आंकड़ा हो गया। तब साधु ने कई पार्टियों के टिकट से चुनाव जीतने की कोशिश की पर जनता उन्हें नकारती रही। रिश्ते में ऐसी खटास आई कि साधु यादव की बेटी की शादी में भी लालू परिवार से कोई शामिल नहीं हुआ था। वहीं लालू यादव ने भी बेटे की शादी में साधु को निमंत्रण नहीं दिया। इसके बाद साधु आग बबूला हो गए और साधु यादव कहते हैं कि लालू राज में मुझे बदनाम किया गया। लालू राज के सारे गुंडे मवालियों का ठीकरा उन पर फोड़कर उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई।